नमस्कार, मैं विकास मिश्रा, समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण केंद्र सीआरसी लखनऊ की ओर से आप सभी दर्शकों का सादर अभिवादन करता हूं। आज मैं आपके समक्ष भारत सरकार द्वारा कोरोना महामारी के समय जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है, उस वैक्सीनेशन का प्रोसेस बताने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। हम सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के समय वैक्सीनेशन एक संजीवनी है। इस संजीवनी को कैसे प्राप्त किया जाए वो मैं आपको बताऊंगा। पंजीकरण के लिए सर्वप्रथम आप अपने मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप से सरकार द्वारा जारी वेबसाइट www.cowin.gov.in www.covin.gov.in ओपन करेंगे, खोलेंगे। जैसे ही वेबसाइट का होम पेज ओपन होगा, देखिए ये रजिस्ट्रेशन का बटन आ रहा है, तो रजिस्ट्रेशन के बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करते ही अगला जो पेज खुलेगा उसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर वही हो जो चालू हालत में हो, क्योंकि मोबाइल नंबर डालते ही आपको एक OTP मिलेगा और OTP इसी नंबर पे मिलना है, अर्थात यह निश्चित करना ज़रूरी है कि मोबाइल नंबर चालू हालत में हो। मोबाइल नंबर देखिए मैंने डाल दिया है। मोबाइल नंबर डालते ही जैसे ही गेट OTP पर हम क्लिक करेंगे, मैसेज के द्वारा हमारे उसी नंबर पर हमें एक OTP, जिसे हम वन टाइम पासवर्ड कहते हैं, प्राप्त होगा। वन टाइम पासवर्ड 3 मिनट के लिए वैलिड होता है, अर्थात इसे 3 मिनट के अंदर डालना आवश्यक होता है। जैसे ही देखिए मैंने OTP मुझे प्राप्त हो चुका है, मैं OTP डाल रहा हूँ। OTP जैसे ही मैंने डाला, नीचे देखिए आ रहा है कि मेंबर जो भी रजिस्ट्रेशन जिन मेंबर का करना चाहते हैं उनके पंजीकरण के लिए, देखिए यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे ये मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि एक मोबाइल नंबर के द्वारा 4 सदस्यों का पंजीकरण किया जा सकता है। देखिए ये पेज ओपन हो चुका है और इस पेज में जिस सदस्य का पंजीकरण करना है उसकी फ़ोटो पहचान प्रमाण पत्र, देखिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हमारे सामने आ रहे हैं, कोई एक ऑप्शन, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो या कोई भी पहचान प्रमाण पत्र, उसे हम लोग चुनेंगे और चुनने के बाद में उसकी संख्या, उस पहचान पत्र की संख्या क्या है उसे अंकित करेंगे। नीचे देखिए आ रहा है कि जो भी पहचान पत्र पे आपका नाम जिस तरीके से लिखा है वही नाम आपको अंकित करना होगा, क्योंकि जब हम वैक्सीन लगवाने के लिए जाएंगे तो हमें यही फ़ोटो पहचान पत्र साथ में ले जाना है। अब इसके बाद में जो लिंग है अर्थात सेक्स है उसका चयन करेंगे। इसके बाद में आपको अपना जन्म वर्ष भरना है। जन्म वर्ष पूरा भरा जाएगा, जैसे अगर 1982 है तो पूरा 1982 भरा जाएगा। इसके बाद हम देखिए आगे प्रोसेस पे क्लिक कर रहे हैं। जैसे ही क्लिक किया, देखिए मेरा पंजीकरण हो चुका है और इसी के साथ में अगर किसी और मेंबर का पंजीकरण करना चाहते हैं तो ऐड मेंबर पर हम लोग क्लिक करेंगे और सेम वही प्रोसेस जो अभी हमने पहले किया था अगले सदस्य के लिए भी सेम वही प्रोसेस अपनाना है। देखिए पंजीकरण, जिन जिन लोगों का पंजीकरण हो जा रहा है उनका नाम आगे आता जा रहा है। अब लिखा है कि अपॉइंटमेंट शेड्यूल। अब हमें जो भी अपॉइंटमेंट, जिस हॉस्पिटल में हमें अपॉइंटमेंट चाहिए, देखिए बहुत सारे हॉस्पिटल की जो लिस्ट है वो खुल के सामने आएगी और तिथि भी सामने खुल के आ रही है, तो जिस तिथि में और जिस हॉस्पिटल में हम अपॉइंटमेंट चाहते हैं उस हॉस्पिटल में और उस तिथि में हम लोग अपना अपॉइंटमेंट सुनिश्चित कर लेंगे और उसी तिथि में जिस हॉस्पिटल में हमने अपॉइंटमेंट लिया है उसी हॉस्पिटल में जाकर अपनी वैक्सीन की अर्थात संजीवनी की, जो कि कोरोना महामारी के लिए है, उसकी पहली डोज
प्राप्त करेंगे। इस तरीके से आप cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वैक्सीन को प्राप्त कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि भारत सरकार द्वारा जारी जो वेबसाइट है उससे किस तरह से आपको वैक्सीनेशन के लिए पंजीकरण करना है। आप जल्द ही इस पंजीकरण को करके स्वयं की और अपने परिवार की रक्षा करें, इस महामारी से अपने परिवार को बचाएं, और सिर्फ परिवार को ही नहीं अपने समाज में जो ऐसे लोग हैं जो इस प्रोसेस इस प्रक्रिया से परिचित नहीं है उनको भी इस प्रक्रिया के बारे में बताएं ताकि हमारा भारत कोरोना मुक्त हो सके। आगे मैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ आपको मिलता हूं। तब तक के लिए आप सभी घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और इस महामारी से बचाव के लिए जो सरकार की दी हुई गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को पूरी तरीके से फॉलो करिए। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।